नमस्कार, स्वागत है आपका बीवादी कुकिंग में। अचार खाने के स्वाद को दुगना कर देते हैं और सभी के घरों में किसी ना किसी तरह का अचार होता है। आज के इस वीडियो में हम मिलकर बनाएंगे गोभी और गाजर का खट्टा मीठा अचार, जिसमें हमने गुड़ यूज़ करा है और बहुत ही अनोखे स्वाद के साथ, बहुत ही बढ़िया। चलो मिलकर बनाते हैं एक आसान तरीके से मिक्स अचार। गोभी और गाजर के अचार के लिए हम जो इसके पीसेस काटेंगे वो मीडियम साइज़ के काटेंगे और उबलते हुए पानी में हम गोभी और गाजर को धोकर डाल देंगे। एक मिनट तक हम इसको उबालेंगे। इस पानी में एक चम्मच नमक भी डाल देंगे। गर्म पानी स्ट्रेन कर लेंगे, किचन के किसी साफ टॉवल में अच्छे से फैला देंगे और एक घंटे तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर कढ़ाई गर्म होने पर सबसे पहले हम साबुत धनिया डालेंगे, फिर पीली सरसों डालेंगे, काली साबुत मोटी लाल मिर्च डालेंगे, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और जीरा डालकर इसको हल्के आंच पर धीरे धीरे हम भूनेंगे। जब इन मसालों की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो गैस बंद कर देंगे और मसालों को किसी प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसको हम पीसेंगे बाद में ठंडा होने पर। साथ में हम जो गुड़ को बारीक बारीक काट लेंगे और इसमें बारीक काटने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देंगे, क्योंकि ये जो सिरका है ये हमारे अचार को प्रिजर्व करेगा। कढ़ाई दोबारा से गर्म करेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे। जब सरसों का तेल गर्म हो जाए तो कुटा हुआ जो लहसुन है वो डाल देंगे। लहसुन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर अदरक डाल देंगे हम, बारीक पीसी हुई अदरक को। दोनों को भून लेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा से 2 मिनट के लिए। बढ़िया, जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो जो सिरके वाला गुड़ है वो सारा इसमें डाल देंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। गुड़ थोड़ा मेल्ट हो जाए तो फिर जो हमने अचार का मसाला सुखाया था, भुना था, उसको पीस के वो डाल देंगे इसमें। साथ में नमक, काला नमक, हम लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे हम इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा काले नमक से और इन सब मसालों से। और फिर हमने जो गोभी धो कर रखी थी गर्म पानी से निकाल कर ठंडा होने पर, उसके बाद हमने गाजर और गोभी को डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। हम गोभी को काट के इसको पानी में उबाला था हमने और इसको स्ट्रेन कर दिया था, एक मिनट के लिए उबाला था। साथ में थोड़ी सी अगर ऑप्शनल है हरी मिर्च भी लंबा लंबा काट के डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से हम खूब मिक्स कर लेंगे और इसी कढ़ाई में इसको ठंडा होने देंगे। जब पूरी तरह रूम टेम्परेचर में आ जाए तो हम इसको किसी भी जार में, बॉटल में, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में हम डाल देंगे। ये बढ़िया हमारा मिक्स गोभी और गाजर का खट्टा और मीठा अचार बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया हमारा मिक्स्ड पिकल, जो मिक्स अचार है, बनकर तैयार है, खट्टा और मीठा। हमने इसमें थोड़ा मीठेपन के लिए गुड़ डाला है और साथ में हमने विनेगर भी यूज़ करा है, वो अचार को प्रिजर्व भी करेगा और थोड़ा खट्टापन लाएगा। साथ में हमने मस्टर्ड सीड भी डाली है और जो मसाले हमने डाले हैं ताज़े बनाए हैं। बाजार के मसालों से वो अचार का स्वाद नहीं आता जो कि ताज़े मसाले भून कर पिस के अचार डालो। आप भी इसी तरह बनाना, बहुत बढ़िया बनेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बढ़िया बने तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी देना। आपके